Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share my favorite DIY for removing suntan from the face, and it is surely not going to make you fairer than your skin color, but yes, obviously it is going to make your face look more brighter and healthier than before. आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है इस DIY के लिए? तो जो सबसे पहली चीज की जरूरत है आपको इस DIY के लिए वो है पपाया. आपको पका पपीता लेना है. थोड़ा सा अगर अच्छे से पका होगा तो आपको मैश करने में इजी होगा. आपको एक दो क्यूब्स ही चाहिए, एंड पपीता इज हाईली बेनिफिशियल. चाहे आप इसे खाएं, चाहे आप इसे लगाएं, यू शुड इंक्लूड पपाया इन योर डेली डाइट, एंड इट विल गिव मैजिकली ग्लो टू योर फेस, एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट. सो यू शुड इंट्रोड्यूस इट इन योर डाइट. तो पपाया के बहुत से बेनिफिट हैं. सबसे पहला बेनिफिट है कि ये अपने अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है नेचुरली ब्राइटन अप होती है. सेकेंड, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करती है. जिससे अगर आपके स्किन सेल्स डैमेज हो गई हैं ड्यूरिंग सनबर्न, तो आप उसको रिजुविनेट कर सकते हैं. थर्ड, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. दैट इज वन मोर गुड थिंग अबाउट इट. एंड लास्टली, इट हैज विटामिन ए, जिसमें बहुत ज्यादा स्किन को रिकवर करने की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई फ्लेकी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. चाहे आप इसे खा के यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में, चाहे आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है. तो दीज आर द गुड क्वालिटीज. बिकॉज ऑफ दिस आपको पपाया को अपनी डेली डाइट में, और यू कैन ट्राई वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट पैम्पर योर स्किन, आप इसका एक फेस पैक भी ट्राई कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो सेकेंड प्रोडक्ट जो हमें अपने DIY के लिए चाहिए वो है हनी. अगर आपको रॉ हनी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. आई हैव गॉट दिस पतंजलि वन, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, एंड आई एम यूजिंग दिस फॉर सो मेनी डेज. इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जिससे ये आपकी स्किन के लिए हेल्दी होता है. तो हनी भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है हमारी स्किन को. इसको यूज करने के बाद हमारी स्किन जो है ड्राई नहीं लगती है, बहुत सॉफ्ट लगती है. हनी हैज ऑल्सो विटामिन सी इन इट, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर एजिंग साइंस. तो आप इसको अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं, और इवन यू कैन यूज दिस इन डिफरेंट फेस पैक्स जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. एंड थर्ड प्रोडक्ट जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है लेमन. तो आप सोचेंगे मैं अभी लेमन के बारे में इतनी नेगेटिव बातें कर रही थी, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट इन माय वन ऑफ द DIYs जो मैं पहली बार ही डाल रही हूं. तो मैं आपको बता दूं कि लेमन, इस फेस पैक को आपको डेली यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज लेमन आपके फेस के लिए डेली अगर आप यूज कर सकते हैं तो इट कुड बी वेरी हार्श टू योर स्किन. सो अवॉइड यूजिंग लेमन ऑन डेली बेसिस ऑन योर स्किन. यू कैन यूज दिस DIY वेन एवर यू फील लाइक यू हैव गॉट टैंड अ लॉट, और आपको टैनिंग को इंस्टेंटली रिमूव करना है, तो आप इस DIY को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वो अपने आप फेड ऑफ हो जाएगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सन में जाते भी हैं तो आप सनब्लॉक को अच्छे से अपनी बॉडी पे और जो भी ओपन एरियाज हैं आपकी बॉडी के वहां पे अप्लाई कीजिए, एंड उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो आई एम गोइंग टू यूज दीज थ्री थिंग्स फॉर माई DIY. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक पपाया, एंड आई एम गोइंग टू मैश टू अ थ्री पीसेज ऑफ पपाया इन टू अ बोल. यू कैन सी आई हैव मैश्ड द पपाया वेल, एंड आपको कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी मिलेगी. तो इसके बाद मैं इसमें हनी ऐड करूंगी. आई डोंट टेक एनी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ हनी, बट आपको अगर स्किन आपकी बहुत ड्राई लगती है तो आप इसका एक स्पून भी ऐड कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट लेस देन वन स्पून, सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू पोर इट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन इन टू माई मिक्सचर, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट वेल. बहुत ज्यादा नींबू ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है. आई हैव एडेड लेस देन वन स्पून, तो आप एक स्पून से कम ही ऐड करें, क्योंकि ये अदरवाइज आपकी स्किन को बहुत ड्राई बना देगा. तो आई डोंट वॉन्ट दैट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट वेल, एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन टू माई फेस. सो दिस इज हाउ द फेस पैक विल लुक आफ्टर यू हैव एडेड ऑल द थ्री इन्ग्रीडियंट्स इन टू इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन टू माई स्किन. So I've applied the face pack onto my skin, and I'm going to keep it for 15 to 20 minutes until it's dry, and then I'm going to wash it off. So yeah guys, this is how my face looks after it has dried completely. And remember one thing, that it has lemon, so you do not need to keep it more than 15 minutes. Whether it is dry or not, just wash it after 15 minutes.
So this is how my face looks after I have washed the mask from my face, and I could literally see the change. If you could notice, then it's good for me. But I guarantee you that you try it once and you'll say that it's worth it. So I have tried it and I have personally felt the difference on me. It helps in removing the tanning from my face. So I have tried this on my face and I can feel my face a little bit more healthier and glowy than before. So you can also try, and if you try it, please do not forget to share it on my Instagram or Facebook, anywhere you can share your experience, and I would love to listen. And do comment down that how you like the video and my first attempt of DIY. And I'm not going to come with so many DIYs because I have few which I try and which I trust, that only I am going to share. So yeah, I hope you guys have enjoyed the video, and if yes, do not forget to comment down. And if you like the video, give me a thumbs up. And if you have watched me for the very first time over here on my channel, do not forget to click on the red subscribe button, and it is totally free. So yeah guys, till my next video, keep on watching and keep loving me. Bye bye.